आज फिलहाल लल्ला जी आए हैं, गोपाल जी नवोदीप से हमारे घर में। ये नवोदीप से आए लल्ला जी। राधे राधे लल्ला जी, राधे राधे। रिया अपना लल्ला भैया को खिला रही है, पिला रही है, सेवा कर रही है। राधे राधे लल्ला जी, कितना प्यारा लग रहा है। हमारे मंदिर में लल्ला जी रहते हैं और ये नवोदीप से आए हैं। और ये अंकल जी लोग लेके आए हैं गोपाल जी। अभी लल्ला जी जा रहे अपने धाम मंदिर। लल्ला जी जल्दी जल्दी। सो फिलहाल अभी मैं भी निकल रहा हूँ और सुबह सुबह घर से निकलने से पहले गोपाल जी का दर्शन हो गया, मतलब दिन तो हेवी होना ही है। सो फिलहाल अभी ये आ गया सालिम। सो आज के वीडियो में आप लोगों को सीखने मिलेगा हाउ टू ड्राइव फोर व्हीलर। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सो फिलहाल अभी सालिम ऑफरोडिंग लेने वाला है, तो अभी हम लोग ऑफरोडिंग का भी मजा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वी सोम एंड वेलकम टू माय चैनल सोम 007 व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकले थे नए ब्लॉग के लिए, संग में सालिम है और आज हम लोग जा रहे हैं आराम से फोर व्हीलर में ब्लॉगिंग के लिए। सो आज हम लोग का प्लानिंग था कि चलो टाइम है, सालिम का भी आज छुट्टी था तो मेरा भी टाइम निकल गया, तो चलते हैं आज फोर व्हीलर में थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, ब्लॉग करेंगे। अरे 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 अरे, यहाँ थोड़ा रास्ता खराब है हल्का। तो मैं कहाँ था? हाँ, गाड़ी में था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो आज हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा फोर व्हीलर ब्लॉग करेंगे। हमेशा तो बाइक में टू व्हीलर में ब्लॉग करते ही, आज फोर व्हीलर में करेंगे। और आज थोड़ा सा सालिम मुझे मतलब कि फोर व्हीलर का भी लेसन देने वाला, सिखाएगा कैसे चलता है। तो अभी फिलहाल हम लोग फाका रोड में चलेंगे, उसके बाद जाके सालिम मुझे सिखाएगा गाड़ी। सिखाओगे तो पक्का दो? हाँ ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए सोम 007 व्लॉग्स। सो फिलहाल सालिम अभी मस्त ड्राइव कर रहे हैं, आराम से एकदम सीख गया है, स्मूथली गाड़ी चला रहा है। रोड ये अवस्था है लेकिन सालिम एकदम स्मूथ गाड़ी चला रहा है और मुझे भी ऐसा सीखना है जल्दी। सो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत दिन से मतलब कि मन था कि फोर व्हीलर में भी चलाऊँ, सीखूँ, तो आज जाके मौका मिला है। तो आप लोग भी प्रे करना कि मैं जल्दी सीख जाऊँ और सालिम सिखा ही देगा और मैं भी ठीक से सीख सकूँ। तो अभी फाका रोड में चलेंगे, वहाँ जाके सालिम से अब मुझे सीखना है फोर व्हीलर। ये कुछ बाहर का नज़ारा और सामने ये छोटा हाथी भाई साहब अभी जा ही रहे, तो हम लोग को पास नहीं दे रहा है। तो ठीक है, ये रोड क्रॉस करके उसके बाद हम लोग मेन रोड में उठेंगे, उधर से चले जाएंगे। Not much later. So, फिलहाल अभी हम लोग मेन रोड में उठने वाले हैं, इधर से सीधा हम लोग चलेंगे शाकरा की तरफ। अभी फिलहाल हम लोग चलेंगे देवेंद्रदा से देखा करने। एक्चुअली देवेंद्रदा का कल शादी हो गया, न्यू लाइफ जर्नी शुरू की है देवेंद्रदा, लेकिन कल मैं शादी में नहीं जा पाया था, तो चलता हूँ आज जाके कम से कम मिल लेता हूँ। सालिम जी आया तो मौका मिल गया घूमने जाने का, तो चलो तुमको भी देवेंद्र से मिला देता, ठीक है। फिलहाल मुझे सालिम थोड़ा थोड़ा डेमो दिए जा रहा है, बता रहा है मुझे मुझे ड्राइव के बारे। तो पहले सालिम क्या बता रहा है ये बता दे, स्टीयरिंग के बारे। ये डायने से ये एक्सीलेटर है। अच्छा अच्छा, बीच में ब्रेक है। अच्छा हाँ, इस तरफ से हाँ, क्लास है। अच्छा, ABC ABC याद रखना पड़ेगा। एक्सीलेटर हाँ, ब्रेक हाँ, सीधे एक्सीलेटर क्लास है। सॉरी मैं एक्साइटमेंट में भूल गया। गियर है, ये गियर हाँ, ये जैसे 1 2 3 4 हाँ 1 2 3 4 आज मतलब रिवर्स है, बीच में न्यूट्रल है, बीच में न्यूट्रल है हाँ। ये अब भी एक नंबर गियर पे है, मतलब इसमें 5 गियर है ना सारे गियर आती है। अच्छा। सो फ्रेंड्स, आज के मेरे ब्लॉग में आप लोगों को फोर व्हीलर ड्राइव लर्निंग लेसन मिल जाएगा। सो वीडियो के साथ बने रहिए और फुल वीडियो देखिए, मिस मत करना। तो आप लोगों को मेरा ये सालिम आज बता रहा है कैसे ड्राइव करना है फोर व्हीलर। मानना पड़ेगा फ्रेंड्स, सालिम बहुत ही अच्छा गाड़ी चलाने से गया। मैं सोच रहा था, मैं थोड़ा सा डर रहा था कि सालिम ठीक ठाक गाड़ी चला पाएगा कि नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा चला रहा है। आप देखिए इतना क्राउड है, भी कितना अच्छा गाड़ी चला रहा है सामने। आप सामने देख सकते हैं कितना क्राउड है, सब कॉलेज के गर्ल्स बॉयज जा रहे हैं और भी ट्रैफिक भी है यहाँ पर, फिर भी बहुत ही स्मूथली गाड़ी चला रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सालिम का गाड़ी चलाना देखकर। और इतना अच्छा ड्राइवर का, अगर ड्राइवर मुझे सिखाएगा तो मैं और अच्छा सीख जाऊँ। इतना अच्छा ड्राइव कर रहा है तो मैं अभी अच्छा चलाना सीख जाऊँगा। बस आप लोगों का प्रे चाहिए। और एक चीज़ है कि सालिम जानते हैं आप लोगों को, फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, सालिम बहुत ही जल्दी एक न्यू कार भी लेने वाला है, उसका भी ब्लॉग आएगा ना सालिम। yes. हम लोग चलेंगे। सो अभी फिलहाल आगे चलते हैं, दादा से देखा करेंगे और उसके बाद फिर
गाड़ी को मुझे सीखना है, ड्राइव करना है, साली मुझे पूरा सिखाएगा। आई होप आप लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत फ्रेंड्स मेरे सीखना चाहते हैं, मैं जानता हूँ बहुत जन सीखना चाहते हैं कि कैसे गाड़ी मतलब फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं। तो साली हम लोगों को इसका छोटा एक डेमो देगा, मुझे सिखाएगा। तो आप वीडियो के साथ फिलहाल अभी साली में ऑफरोडिंग लेने वाला है, तो अभी हम लोग ऑफरोडिंग का भी मजा लेंगे। तो आराम से एकदम स्मूथली, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ से फिलहाल हम लोग ये रोड से नीचे से जा रहे हैं, ऑफरोडिंग का मजा। अभी हम लोग इसके नीचे से गुजरने वाले, तो सालिम स्मूथली लेना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, टेंशन फ्री हो गया ठंडा माथा से दिमाग से। ये रहा रोड का कुछ हालत। वाव, बहुत ही सुंदर, तालियां होने चाहिए, बहुत ही सुंदर। सालिम को 100 में 100, सुपर, बहुत ही अच्छा। लगा ही नहीं कि कुछ रोड खराब है, और मैं ये झूठा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ये सच्ची बात है, जो सच है वो सच है। गलत होता तो मैं बोल देता कि गलत चला रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा चला है। और जितना सालिम गाड़ी ड्राइव कर रहा है इतना अच्छा से स्मूथली, मुझे और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं कब चलाऊंगा, लेकिन मैं जीत नहीं करूंगा, क्योंकि जीत से कुछ हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है। आराम से फाका रोड देखूंगा तब चलाऊंगा, और नहीं तो आज कोई दरकार नहीं है। आज अगर साली में ऐसे दिखाएगा भी तो बहुत है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर सीखूंगा। फ्रेंड्स, अभी अभी पता चला कल सालिम का बर्थडे है, सो पता नहीं बर्थडे में हम लोग को इनवाइट करने वाला है कि नहीं सालिम, कुछ प्रोग्रामिंग है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सबको ही आप लोग सालिम को विश करना, हैप्पी बर्थडे विश करना। और फिलहाल अगर सालिम पार्टी में बुलाएगा तो फिर वो भी ब्लॉग बन जाएगा क्या? चलो नहीं, सालिम खुद भी खुश हो रहा है कि मैं इतना अच्छा गाड़ी चलाना सीख गया हूँ। नहीं, सही में अच्छा सीख गया है। और फिलहाल सालिम का बर्थडे क्या है? 6 दिसंबर। आज 5 दिसंबर है, कल मेरा बर्थडे है। हाँ, 6 दिसंबर। यहाँ पर ये 18 चक्का का लॉरी घुसा दिया है, यहाँ जाम कर दिया है फिलहाल इस रोड में, सोचिए। और फिलहाल अभी हम लोग खड़े हैं, सब लोकल रोड में इतने बड़े बड़े गाड़ी घुसा देंगे, इतने बड़े लॉरी, तो छोटे गाड़ी लोग तो जाम हो ही जाएंगे। ये सामने वाला लॉरी बहुत टाइम लगा दिया, इसने तो टाइम लग गया। और फिलहाल मुझे अभी देवेंद्र के घर भी नहीं पहुंच पाए, अभी देवेंद्र के घर पहुंचना है, मिलना है उनसे, शादी का बधाई देना है, कैसा ले उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी तो ड्राइव करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर आप सालिम का बात सुनिए, अब मुझे डर लगने लगा सालिम, मैं सोचा कि सालिम कितना दिन से गाड़ी चला रहा होगा, लेकिन जस्ट अभी पता चला 2 दिन गाड़ी चला है और मैं तीसरा दिन मुझे लेकर निकल रहा है, तब सोचिए मेरा क्या रिस्क लग रहा है। लेकिन नहीं, अच्छा चला रहा है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं है, डर नहीं है। तो कहाँ कहाँ तक गए हो गाड़ी लेके? हाँ, तो गाड़ी लेके कहाँ कहाँ जाना हुआ फिलहाल अभी तक? पहला दिन में डानकुनी सीखने के लिए गया था, फिर दूसरा दिन भी डानकुनी, तीसरे दिन झूलागढ़ लेके चले गए। अच्छा, फिर अलमपुर, वहाँ से बहुत अच्छा रास्ता है ना, इसलिए मेन रोड मतलब थोड़ा सा लोकल रोड आज ही हो गया। माकुड्डा भी गए थे, माकुड्डा आंदुल, कल आंदुल में गए थे। और बांकड़ा के लिए? बांकड़ा में नहीं गए, खराब है ना, ट्रैफिक चल रहा है वहाँ पर। और सब फिलहाल अभी काफी धूप भी हो गया, गर्मी लग रहा है। मैच लेट है। फिलहाल अभी देखिए सालिम कैसे यहाँ से ले रहे, कटा रहे हैं, सो यहाँ रोड थोड़ा पतला है, और इधर से फिर ये सब भी जा रहा है। सो मुझे यही देखना है सालिम कैसे करके ये गाड़ी लेके जा रहा है, यही सीखना है मुझे। और फिलहाल अभी हम लोग देवेंद्र का घर चल रहे हैं, हम लोग आगे गंगा के पार, थोड़ा सा आगे आगे, तो हम लोग को बैक करके, यहाँ से बैक करके हम लोग जा रहे हैं उधर, देवेंद्र का घर है सामने। तो चलो, much much later, so finally हम लोग आ गए देवेंद्र के पास। और देवेंद्र दा वहाँ से आ रहे, ये देख रहे हैं शादी का गेट यहाँ पर सज रहा है, कल रिसेप्शन है, सो अभी वेट कर देवेंद्र के लिए, उसके बाद देखकर हम लोग चलेंगे। सो ये रहे हमारे देवेंद्र दा, हीरो साहब। सो न्यू जर्नी, मतलब शादी शुदा लाइफ, शादी का लड्डू फिलहाल। सो कांग्रेचुलेशन दादा, थैंक यू न्यू जर्नी के लिए, थैंक यू शादी शुदा जिंदगी, आपको बहुत खुशी भरा हो, और थोड़ा हम लोग का भी ध्यान रखना। सब समय तो तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। सो कल इवनिंग में फ्रेंड्स हम लोग आएंगे देवेंद्र दा के रिसेप्शन में, हम लोग को फिलहाल अभी इन्वाइट कर दिए,
और फिर आना आज के कुड़े सी अच्छा पहले भी कर दिया तो फिलहाल अभी दादा के टाटा कर देते हैं हम लोग घर से दादा दादा चलो टाटा चलो यहाँ से हम लोग टर्निंग लेने वाले और हम लोग सीधा फिर बैक में जाने वाले उधर तो फिलहाल अभी सालिम गाड़ी को फिलहाल बैग में ले रहे और अभी हम लोग सीधा चलेंगे फिर और अब सीधा घर की तरफ चलेंगे। सो फिलहाल अभी हम लोग के इतना देर बाद अच्छा एक फाका रोड मिला काफी स्मूथ रोड है रोड भी अच्छा है और यहाँ से हाई रोड हम लोग पकड़ने वाले हैं। अभी हम लोग आगे NH6 सबसे स्मूथ एंड क्लीन रास्ता क्लीन रोड है NH6। अभी फिलहाल रिलैक्स मूड में गाड़ी चल रहे हैं आराम से एकदम रिलैक्स कम्फर्टेबल फील। सो अभी फिलहाल भूख लगे तो थोड़ा सा सोचते हैं हल्का सा मीठा उठा खा लेते हैं यहाँ पर आए हल्का सा मीठा खा के उसके बाद घर जाएंगे। अभी इस टाइम में और क्या खाएंगे बाहर जाके घर का खाना खाना यहाँ पर तो हल्का सा मिठाई खा लेते हैं हम लोग दही खाने वाले ठंडे में भी मीठा दही और एक कलरिंग देखने दही का दही खाने का मजा ही कुछ अलग है। फिलहाल अभी दही खा के ठंडक मिला और घर जाके अब खाना खाएंगे और साले फिलहाल अभी गाड़ी को घुमा ले हम लोग इधर जाने वाले हैं फिर पीछे सो फिलहाल सबको दिल थाम के अभी मैं फिलहाल गाड़ी चलाने वाला हूँ और फिलहाल मैं स्टीयरिंग थाम लिया आप लोग भी दिल थाम लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। फिलहाल मैं अभी वहीं हूँ चला नहीं है तो अभी मैं सीख लूँ उसके बाद चलाऊंगा। सो सालिम क्या करना है मुझे तुम बताओ थोड़ा सा। वो तो एक्सीलरेटर गियर जो है ना सब अभी न्यूट्रल है क्या? हाँ तो पहले क्या करना पड़ता है? चाबी घुमाना पड़ता है ऐसे चाबी घुमाइए ये ऑन हो गया। हाँ उसके बाद गियर पियर मरना मीटर शो हो गया। हाँ उसके बाद जो ये पर पैर में ये हो गया मैं बता रहा हूँ तुम बोलना ठीक बोल रहे हो क्योंकि मैं ये एक्सीलेटर ये हो गया ब्रेक और ये हो गया क्लच मतलब ए बी सी ठीक है और उसके बाद तो ये गियर हो गया ये गियर हो गया ना ये जैसे 1 2 3 4 ये जो दिया हुआ है ये मार्क इसको देख के कर दे ऐसे तो ठीक है। सो फ्रेंड्स एक्चुअली आज देवेंद्र पास जाने के कारण काफ़ी लेट हो गया ट्रैफिक भी काफ़ी था क्राउड था तो बहुत ही अच्छा मतलब ड्राइव किया मतलब सालिम देख सकते हैं आप लोग वीडियो में पूरा देखे काफ़ी अच्छा और ऐसा ऐसा सिचुएशन तो मैं ले भी नहीं पाया ऐसा ऐसा सिचुएशन आया मतलब जहां पर लग रहा था कि सालिम शायद नहीं चला पाएगा लेकिन वहां पर भी कंट्रोल कर लिया। सो काफ़ी अच्छा लगा और सालिम मुझे और पूरा रास्ता सालिम मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहा मैं भी पूछते रहा कि कैसे क्या चलता है तो वो भी बताते रहा तो इस कारण मुझे जो एक थ्योरी होता है वो नॉलेज मेरा हो गया है और प्रैक्टिकली नॉलेज फिर कभी हो जाएगा क्योंकि आज लेट हो गया काफ़ी लेट हो गया मेरा भी टाइम हो गया लेट अभी 3:30 बज गया ना तो अभी भूख भी लग गया सालिम को भी घर जाना है मेरा भी थोड़ा काम है तो इसलिए आज वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट दिन लेकिन निकलेंगे हमको सिखाना है और एक पर्सन को लेके आएंगे वो थोड़ा सा वीडियो करेगा तो हम लोग तुम सिखाओगे मैं सीख पाऊंगा ऐसे होगा तो फिर फ्रेंड्स आप लोग को भी थोड़ा सा जो भी नॉलेज मिल जाए तो यहाँ से मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय और कुछ नए करते हुए मिलेंगे एंड कीप सपोर्टिंग कीप वाचिंग बाय बाय मच 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 लेटर नेक्स्ट टाइम फिर निकलेंगे ओके सीख से जाना अच्छे से जाना।